हम कसम खाते हैं अपनी एक्स की, अपनी एक्स की। इस इंटरव्यू के बाद, इस इंटरव्यू के बाद हर कोई बोलेगा, हर कोई बोलेगा काफी कम माइल्ड। म्यूजिक के बिना तो मैं पाजी कभी गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता, बिना उतर जाओ पाजी। नहीं रो तो का है ना बीच में बोल दे। अब तीन चीजें ही हुई हैं कोविड में, या तो रिश्ते बने या तो रिश्ते टूटे या तो बच्चे पैदा हुए। बच्चे तो मैं ब्रेक में ऐसे एक लड़की के सामने गया और मैं जन्नत के स्टाइल में नीचे जाके बैठ गया। वो तेरे ऊपर से गई या साइड से? साइड से। पथरी और कान के दर्द से भी ज्यादा बड़ा है दिल टूटने का दर्द। पत्थर निकलता हुआ देखा अपने सामने, पॉट पे टन आवाज आई थी। क्या बातें कर रहे हैं यार। यस कार में मेकआउट किया भाई, आपके ट्रेलर में ही हो रहा है। मैं तो इसके कैरेक्टर कर रहा हूं। फिल्म तो सब किया है ना, मजा नहीं आता लेकिन गाड़ी में। हाँ ये तो है, ये तो कभी तो हम थकेंगे। छन से जो टूटे कोई सपना। पंजाबी आप सबसे पहले विल टेक अ प्लेज, सब बोलेंगे जो बोलेंगे सच। कसम खाते हैं हम कसम खाते हैं अपनी एक्स की, अपनी एक्स की। इस इंटरव्यू के बाद, इस इंटरव्यू के बाद हर कोई बोलेगा, हर कोई बोलेगा। So guys, wild पंजाब, और कोई वाइल्ड हरकतें ना हो। पंजाबी तो वैसे भी बड़े वाइल्ड भी होते हैं और पंजाबी आ गए हो। हाँ पंजाबी आ गए हो, बताए इंटरव्यूअर भी पंजाबी और आप सब तो पंजाब मोड में वैसे। करेक्ट, पंजाब जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं हम तो। आई थिंक ऐसा इंटरव्यू वैसे किया कभी हमें देखने के लिए। अब वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है तो सबसे पहले तो खन्ना साहब आप ही बता दो कितने वाइल्ड हो आप। और सच एकदम, मतलब एकदम वैसा वाला एकदम बीसी करेंगे बातचीत बीसी पर बातचीत। रियल लाइफ में आई थिंक थोड़ा माइल्ड वाइल्ड हूँ। अच्छा, माइल्ड वाइल्ड। आई डोंट एग्री। मैं माइल्ड पत्र लिखा विल स्पिल सम बीन्स। बताइए सिचुएशनल वाइल्ड है। अच्छा, सिचुएशनल वाइल्ड है। ओके सिचुएशनल। पार्टियां बहुत वाइल्ड करता है, दैट्स राइट, और करवाता भी, और पार्टी स्टार्ट करना। बोल कौन रहा है जो खुद रात को 3:30 बजे है? कहां से ये पार्टी करने गया था बाहर अकेले? ये सारे गए थे, मैं लेके गया था और मैं तो सो रही थी। शिद्दत बच्चों मैं लेके गया था इनको। कहां करी आपने पार्टी, कहां करी था? मेरे दोस्त के एक लाउंज में क्लिंग करके है वहां की पार्टी। ऐसी पार्टी की पूछो मत, आधा घंटा लेट है। मूवी के साथ चल रहे हैं ना, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, वाइल्ड वाइल्ड पार्टी। यस, वाइल्ड वाइल्ड पार्टी। हां सुनी भाई, आप कितने वाइल्ड हो ये बताओ। भाजी मैं क्या बताऊं आपको, बता दो यार। जब ऐसे अच्छे दोस्त मिलते हैं ना, पार्टी वाली जो वाइल्डनेस होती है वो ये सारे जो हमारे दोस्त है उनसे ही आती है। तो पार्टी करना, दोस्तों के साथ कहीं हर जगह जाना, खाने पीने, सुबह सुबह तक जगना, बातें करना, हर वो चीज जो नॉर्थ इंडियन लड़का करता है। yes. वो सारी चीज हम करते हैं। का वाइल्ड बाकी वैसा कुछ वाइल्ड नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छा लड़का हूँ, सीधा हूँ मैं। ओके ऐसा कुछ नहीं है, सीधे हैं। कहाँ से हो तो भाई? सीधा मैं जा कहाँ से हूँ, सामने सारे देखो। मैं इशिता जैसा तो नहीं हूँ। इशिता कैसी है? इशिता बहुत वाइल्ड है, बहुत। इशिता चलो इशिता, हाउ वाइल्ड यू आर, वाइल्ड राजशर्मा। हाउ वाइल्ड, आई थिंक माय फ्रेंड्स आर ओनली टॉकिंग सो मच अबाउट इट। मैं क्या बोलूं? ठीक है मत बोलो, नेक्स्ट। मैं काफी कम माइल्ड पर इनके साथ रह के यू हैव टू बी अ लिटिल वाइल्ड। या हां ये तो माहौल बना देते हैं। हां हां सो पत्रा एक्ट्स रियली प्रॉपर टिल द टाइम, मतलब फिल्म स्टार्टेड एक दो हफ्ते तो
Patra was disciplined and proper and gym in the morning in 7 o'clock. And uske baad we dragged out of our room. I was like, Patra, just forget it. असली कंटेंट मतलब बता दो मैं ना एक चीज है मेरे अंदर कि अगर मेरा दिल खुश है ना तो मैं बहुत वाइल्ड हूँ और मैं इतना वाइल्ड हूँ कि मैं दो दिन लगातार पार्टी कर सकता हूँ और अगर मेरा दिल खुश नहीं है तो फिर मेरा मेरे से कोई पार्टी नहीं करा सकता। वो तो सबके साथ होता है। ये दिल जो खुश करने वाली बात है ना, खुश होता है। Is it directly proportionate to humans? Yes। बता दो। बिल्कुल यार, obviously। तो अब आपके ट्रेलर पे आते हैं, ठीक है? पहली बात तो ट्रेलर एकदम मतलब हार्ड है। मतलब उससे पहले मैं एक वर्ड यूज करना चाहता था, मैं मतलब जी फाड़। मतलब हम इतने इंटरव्यूज अभी दिए हैं, कभी एक्चुअली हमने किसी से फर्स्ट ओपिनियन ली नहीं है। सिंस यू आर फ्रॉम द बिजनेस एंड फ्रॉम द मीडिया, वी वांट अ फर्स्ट हैंड रिएक्शन एंड जेन्युइनली। मैंने ट्रेलर की हर लाइन पे क्वेश्चन बनाया, हर लाइन पे पाजी। मतलब मैं सुन रहा था, मैंने 5-6 बार देखा, उसके बाद मैंने एक एक लाइन रोकी, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन बनाया। इसका आंसर इन क्वेश्चंस के बाद यू विल गेट ऑटोमेटिकली। ओके, डन। तो मतलब हर लाइन में साला बवाल है उसमें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले वरुण आपसे शुरू करेंगे एंड देन सब इसका, लेकिन भाई जेन्युइन आंसर लेंगे। सबने अपनी एक्स की कसम खाई है, ठीक है, मतलब कुछ हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। कार में मेकआउट किया? कार में मेकअप भाई आपके ट्रेलर में ही हो रहा है। मैंने मैं कोई ऐसा सवाल कैरेक्टर कर रहा हूं, कैरेक्टर तो फिल्म तो सब किया है ना। हां नहीं भाजी, ये झूठ झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता। भाजी भी बताएंगे, एक मिनट बता, मैं भी बताऊंगा। रीजन बताता हूं, इसलिए क्योंकि फिल्मिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, देखिए अब ये माइल्ड वाइल्ड है, ये कह रहे थे। सनी भाई आप क्या? सर कार में मेकआउट करा सनी आपने? मैंने हाथ पकड़े बस, एक गाना लगाया। सनी स्टॉप इट। अरे क्या बता, क्यों ऐसे क्या होता? मतलब उसकी गाड़ी थी, मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी। गाड़ी तो गाड़ी होती है, लेकिन होता है ना यार, एक रिस्पेक्ट होती है, ऐसे थोड़ी ना है। तो हाथ पकड़ा है, गाने सुने हैं, लंबी ड्राइव पे गए हैं, सारे इतने क्लीन जवाब दे रहे हैं। मैं तो मतलब जैसे मेरा सवाल जवाब पता है तो तुम अपना बताओ। चलो अब सेफ मत खेलना, बताओ मंजोत। मैंने इतना किया कि जब लड़की आई तो वेलकम किस, और जब उसको मैंने ड्रॉप किया तो गुड बाय किस। इतना मैंने किया है, और इन सबसे तो ज्यादा ही बोला मैंने। नहीं इतना तो नॉर्मल है, मतलब मैं तो किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठी हूँ अपने पति के सिवा। इशिता कुछ बताओ, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब टाइप आंसर चाहिए यार। तुम लोग ट्रेलर में मतलब है ना, अभी अभी तो कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। जो आंसर दिए है अपना बताना, ज़ारों को छोड़। तो या और ध्यान दो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, चलो गुड। ओके आप तो बताओ। हाँ बहुत किया, मतलब अब जब से गाड़ी ली तब से मतलब उसको अच्छे से यूटिलाइज। गाड़ी होती है इस चीज के लिए पाजी, और क्या चलाना। लेकिन पाजी सनी पाजी मैंने तो ये भी नहीं देखा था कि उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है तो ज्यादा कंफर्टेबल पता लगता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। मैं बोल ही रहा हूं तो लेकिन मजा नहीं आता, लेकिन गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। ये तो है, ये तो बहुत बहुत बेकार है। नहीं नहीं तब मेकआउट तक रुको ना, तो मेकआउट ही कह रहा हूं, आगे तक मेकआउट चले जाओगे तो कैसे। मंजू मेरे को कैसे पता तूने तो गुड बाय किस किया है? और मैंने मान लिया, बाद में मान लिया, मैंने मान लिया, मैंने बोला ड। दोनों बीच की सीट में जो कंफर्टेबल होता मंजू,
तो वो होता है ना, तो बैक सीट पे चले जाना था ना पार्क करके। नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा वो नहीं, वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा चीप हो जाता। अच्छा मतलब आगे की सीट पे बोनेट में चला जा। आपके ट्रेलर का जो एक और डायलॉग जो मुझे मतलब जो उसके बाद आता है, मुझे लगता है हमारा इंटरव्यू जाम में खत्म हो जाएगा। बहुत अभी बहुत टाइम है हमारे पास और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। 26 साल पहले, 26 साल पहले भाई, ये बताओ कि अगर 26 साल पहले लाइफ में कुछ चेंज करना होता क्या करते? 26 साल पहले इसी तरह से शुरू करते। चलो 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 चलो, लेट्स रिवर्स। हाँ, 26 साल पहले अगर कुछ मैं 26 की तो मैं हूँ। हाँ, मतलब आपको अगर चेंज करना होता कुछ भी लाइक इन योर लाइफ, व्हाट 26 साल पहले व्हाट इट बी, क्या होता? द आई वुड हैव वांटेड टू चेंज आई थिंक सो नथिंग जेन्युइनली, मतलब राइट फ्रॉम माय स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ हैज बीन सो एपिक एंड आई हैव हैड सम ग्रेट मेमोरीज फ्रॉम इट। इफ आई वांट टू ट्रैवल बैक तो इट It would have been a time that I want to go back to my school life. Okay. Matlab, if at all, if I want to re-level it to that. But I don't want to change anything. I think so. Even the things that didn't work out anyway was, matlab, that's an experience. All happy. Yeah, all happy. I don't want to change a thing about my life. Manjot, you kuch aisi cheez 26 saal pehle या मतलब कुछ साल पहले जो यू वांट टू चेंज? 26 नहीं बोलो, चलो ठीक है, एनीथिंग 26 से मैं फिल्म को प्रमोट कर रहा था, ठीक है, नहीं बोलो, मैं सोच रहा हूं। अच्छा आप सोच रहे हो, आप बताओ। मैं भी सोच रही हूं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है यार। यार 10 साल पहले मैं अपने आप को बोलना चाहती हूं कि चिल मारना, लाइफ इज गुड, इतना ज्यादा डोंट बी राइल्ड अप इन थिंग्स, चिल कर सब सही होगा। ओके सनी भाई, आप कुछ ऐसा? भाई मेरा अलग ही है, मैं 26 साल पहले ना अपनी ट्यूशन टीचर ये सब जितनी क्लासेस होती थी सब चेंज कर देता। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है किसी काम की नहीं आई वो, बिल्कुल भी काम, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ और भी कुछ नहीं हुआ पढ़ाई के लिए। देखो वो होता है, पर जो क्लासेस थी ऐसा लगा कुछ काम में नहीं है, जितना लाइफ एक्सपीरियंस काम में आता ना, प्रैक्टिकलिटी ये तो है वो मैटर। हाँ ठीक है, एक बेसिक स्टडीज तो बहुत काम में आई है, मगर जो ट्यूशन व्यूशन होता ना ये सारी चीजें मैं चेंज करना चाहता था, बिकॉज आप स्कूल जाते या कॉलेज जाते उसके बाद आपकी क्लासेस होती है तो वो 6-6, 8-8 घंटे होती थी, तो यार वो मेरे को लगा वो कुछ वेस्ट होता है। आपने मतलब कई बच्चों के दिल की बात जो है वो कही, मुझे आपने सोच लिया? हाँ जी बताओ भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, ठीक है, जब हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था, जब हम मरेंगे वो भी अपने हाथ में नहीं, तो जो बीच की जिंदगी वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? तो जो होना था बाबा, वो हुआ, बाबा जी आ गए, बाबा जी जो आ गए, होना था वो हुआ है, उसको आप चेंज कर नहीं सकते, और जो आप अगर चेंज करते भी तो समझ लो वही लिखा था होना। तो मेरा यही आंसर, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं होता। भाई अगर मुझे 26 साल पहले कुछ चेंज करना होता तो मैं चेंज नहीं एक चीज जरूर करता कि मैं आम खाता। हाँ, इस इंसान ने आज तक आम नहीं खाया यार, कभी आम नहीं खाया भाई, क्यों? ये क्या कल मैं सुन रहा था। अच्छा एक मिनट, स्पीकिंग ऑफ व्हिच, ठीक है 26 साल पहले नहीं किया है तो आप आज से शुरू कर सकते हैं जो चीजें बचपन में, बचपन की आदत होती है ना, एक बचपन का एक टेस्ट होता है, बंदा करता है कुछ है, तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। वरुण यू मिसिंग द किंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब आम टेस्ट में करना, उसका टेस्ट is unparalleled। वो किसी रीजन क्या है कि अब कभी खाने का मन नहीं, कभी पहले मैंने कभी टेस्ट ही नहीं करा, फिर उसके बाद जब मैं लोगों को बताना शुरू हो गया कि मैंने आम नहीं कभी खाया, मुझे टेंशन बहुत मिलती थी, फिर मैंने कहा मैं खाऊंगा ही नहीं। देखो आज आम नहीं खाया इसलिए टॉपिक मिल गया इसको बात करने का, मतलब मैंने इसलिए नहीं खाया था कि मैं एबीपी को बता सकूं कि मैंने आम नहीं खाया। जा सकता कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? रूल आउट कर दिया आपने, ठीक है ओके। नेक्स्ट जो आपके ट्रेलर में है, इसी तरह से शुरू करेंगे। वाओ, कभी अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखा? भाई मैं बताता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ, बताओ बताओ। मैंने देखा है, मैंने देखा है। क्या किया था भाई? आपने सवाल पूछा कि देखा, मैंने कहा हाँ देखा। अगला पूछ लिया मैंने, क्या किया था? पाजी आंखों में से हंजू गिरे, दरवाजा खोला, चला गया। बीप्राक और जानी का गाना नहीं बजा बैकग्राउंड? देखा हुआ है पाजी, इट्स वेरी हर्टफुल। वो सबसे बड़ा दर्द लगता है, यस सबसे बड़ा, पथरी और कान के दर्द से भी ज्यादा बड़ा है।
दिल टूटने का दर्द बता दो मेरे साथ तो जो मेरी एक्स नाम नहीं लूंगा नहीं नहीं नाम नहीं ना पर वो गूगल तेरा भरोसा नहीं है तू नाम भी नहीं लेगा नहीं यार आई रिस्पेक्ट वुमेन एवरी इंडिविजुअल ये बोलने दो ना यार हंसते हो बीच में वो अभी स्टार्ट भी नहीं किया हंसने लग जाते ज्यादा बड़ा दिल का दर्द स्टार्ट किए बोल के कि पत्नी के दर्द से ज्यादा दर्द है दिल का दर्द पत्रा के लिए कुछ लेके आया पत्री लाया पत्री वैसे होती है डार्क चॉकलेट खाने से पतली पतली 72% लेकिन पतली से डर नहीं लगता पतली से डर लगता है तो पतली से डर नहीं लगता दिल के दर्द से डर लगता है मंजू कहता है या दैट यू राइट अरे एक्सपीरियंस तो बताओ नहीं नहीं अब आप मंजू प्लीज प्लीज तो पाजी मेरा जो मेरी एक्स थी तो मुझे ना इंट्यूशन है कि यार कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ क्योंकि जब आप देखते ना आप आपके रिप्लाईज लेट आने हो जाते हैं सीन करके कई बार छोड़ देते हैं बाद में करा लेट किया और रिप्लाई छोटे छोटे होते जाते हैं थैंक यू वेरी मच से थैंक्स हो जाता है उसके बाद टीएक्स हो जाता है तो धीरे धीरे फिर मुझे इंट्यूशन नहीं है क्या कुछ गलत हो रहा है फिर मैंने एक बार मैसेज देखा ऊपर डिलीटेड मैसेजेस थे एक रैंडम मैसेज आया हुआ था तो पता चल रहा था चैट डिलीटेड है तो मैंने बहुत पूछा कन्फ्रंट किया यार बता दे प्लीज बता दे वो नहीं मानी बिल्कुल नहीं मानी फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया कि यार मैं ना उससे कैसे निकलवाऊं तो मैंने क्या किया मैं ना फेंट हो गया उसके सामने मैं फेंट हो गया मैंने एक्टिंग की और मैंने ना बहुत ग्रोस और स्टूपिड चीज की थी मैंने ना किचन में जाके ना दाल बनाई हल्दी वल्दी डाल के कि वो वॉमिट लगे और मैं जब फेंट हुआ मैंने साइड में वो दाल भी गिरा दी थी कि इसको लगे कि वॉमिट है और वो मेरे घर आ रही थी और वो घर में वो डर गई शिट उसने मुझे उठाया नो पानी वानी दिया मेरे लिए चाय भी बनाई उससे आराम से बात की देख मेरे को पता चल गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो प्लीज मैं नहीं रह सकता वो डर गई और उस डर में इतने सब कुछ बता दिया और मैं इतना खुश हुआ ना पाजी इतना खुश हुआ मेरे अंदर ही उस टाइम मन में आ गया था आई एम ओवर हर क्या बात और जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है ना एग्जैक्टली आप बहुत खुश हो जाते हो कि यार इस झंझट से निकल गए बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने अचीव कर लिया था और मैं इतना खुश हुआ था और वो रो रही थी और मैं इतना खुश बैठा था यार चलो मेरी जिंदगी में अब है ही नहीं जाते जाते उल्टी साफ करके गई थी जो की दाल थी जो की दाल थी शुगर है तुमने झाग नहीं डाल दी कैसे वैसे झाग कैसे बना सकते भाई जो बंदा उल्टी बना सकता है वो झाग तो उसके बाहर का खेल होगा आपने देखा मैंने यार ऐसे रेड हैंडली कैच नहीं किया कि and maybe this is there is somebody alongside so and then I've confronted lekin maine aise kisi exactly if I'm with someone or wo that guy is with another girl or he's I've caught them ye encounter kabhi hua matlab aapke sath kabhi like mein nahi aise to mehsoos ho hi jata hai ki kuch hua hai par zyada tar aake mujhe bol dete the yaar I'm over you are sani bhai aaj hi mera college mein tha ki main cafe mein baitha hu और हमारी बात हो चुकी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मिलना है बट उस वक्त एक बाइक गई और उसी के साथ बैठी थी एक लड़के के साथ बाइक पे मैंने जाके बाइक रोकी और इतना एग्रेसिव हो गया कि हाथ में एक पानी की बोतल थी तो मैंने लड़के के मुंह पे मार दी प्लास्टिक की थी पकड़ के मारा भी उस वक्त वो एज थी फिर लेकिन उस लड़की को मैंने देखा तक नहीं मतलब नजर भी नहीं मिलाई उसके बाद और ना उसको उसके बाद पूछा मन से ही उतर जाते हैं अच्छा बोतल पानी प्लास्टिक की थी कि कांच प्लास्टिक हाँ
कांच की नहीं, कांच की वो टूटी थी या लक्की गिर गई थी? ढक्कन खुला था कि ढक्कन बंद ही था? पानी था उसमें भरा हुआ आधी। अच्छा, अब ट्रेलर में एक और चीज थी, अपने बॉटल में सुसु किया था वरुण, तो दारू पी के सुसु किया था। और ये भी कहते ना कि ज्यादा रोको तो पथरी हो जाती है। भाई पथरी से आप क्या नाता है, मतलब क्या पथरी पथरी से आया, मैंने पत्थर निकलता हुआ देखा अपने सामने, कहाँ से निकलेगा, पॉट पे टन आवाज आई थी, टन क्या बातें कर रहे हैं यार, ये इसमें क्या है, नेचुरल चीज है, किसी के हाथ में थोड़ी ना। मैंने अभी क्या बोला था, जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, तो बीच का कैसे यार, लोगों को पता नहीं क्या क्या होता है यार, ये पथरी में आप ऐसे ही ग्रोस फील कर रहे हो। नहीं, बट उसका पेन बहुत 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 आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, ये भी बहुत बड़ा वाइड वाइड पंजाब वी हैव कम टू पथरी गदर, और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि बियर पीने से निकल जाता है, वो ऐसा नहीं होता, सिर्फ पानी है जो हेल्प करता है। अच्छा, दैट्स हाउ यू, आपको डिहाइड्रेट करती कोई भी अल्कोहल हो, आपको डिहाइड्रेट करती है। तो कितनी बियर पीती थी निकालने के लिए? हाँ, कितनी बियर पीती? मैंने वही बोला है कि बियर से नहीं, मिथ है। बट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू अंडरस्टैंड ना कि ये मिथ है। नहीं, डॉक्टर ने बताया था। डॉक्टर ने पी थी, मैं ज्यादा नहीं पीता। अच्छा, और वो जो ट्रेलर में आपको लात पड़ती है, उसके कितने टेक्स हुए? उसके काफी टेक्स हुए थे भाई, आई थिंक काफी टेक्स थे, 7-8 के आसपास, 7-8 टेक्स हुए थे, क्योंकि हम जानबूझ के ठीक से कर नहीं रहे थे। तो लाते माने और बड़ा मन था। नहीं नहीं, क्या होता ना, वो जो मेकअप भी कर रहे होते हैं ना, वो भी उस हिसाब से कितना डार्क चाहिए क्या चाहिए, हाँ, उसमें भी आदमी रुक जाता है, बस वो कैमरा वर्क ये सारी चीजें भी होती है। अच्छा, कोई ऐसा सीन था जिसमें मतलब किसी बंदे ने एक्सेसिव रीटेक्स लिए? हाँ, मैंने, कौन सा सीन? मुझे था बोलना था, था निकल नहीं रहा था, था ठू ठी सब कुछ मैंने बोल दिया, सब निकल गया, सब मतलब पागल हो गए थे कि क्या कर रही है, जस्ट बोल दे। तो इनमें से किसी ने हेल्प नहीं? सब कर रहे थे, सब बोल रहे थे बहन अब तो बोल दे। मैं तो खड़ा हो गया था पकड़ के, पत्रक और डिक्शन क्लासेस दैट डे, या पंजाबी डिक्शन क्लासेस। वरुण, आपका कोई था ऐसा सीन? मेरा सर हर सीन ही लात मारने के अलावा वाला, मतलब मेरा लात भी पड़ी थी। नहीं, ट्रेलर में तो लग रहा है कि भाई ट्रेलर में तो बहुत पड़ी है, फिल्म में भी बहुत पड़ी है। 25-30 से कम मानते नहीं, मजाक कर रहा हूं। सबसे ज्यादा टेक कौन लेता? जैसे जो गाड़ी में जैसे हम बैठे हैं, ऐसे जो सीन्स हमारे हैं ना पिक्चर में, उसमें कौन सी पिच वाइज कहाँ जा रहे हैं, टोन कैसे सही करनी है, ऊपर नीचे कितना जाना, किसको मतलब वो रिसेप्टिव होता है ना मैच करना, वो सारी चीजों को लेके बार बार टेक्स हुई है। जब आप सिंक में आ गए फिर बाद में 3-4 टेक्स होती है, मतलब वहां पे थोड़ा ज्यादा लगेगा। और कई बार ना भाई ऐसे दिन भी होते हैं यार, कई बार आता है यार नहीं हो पा रहा है, आदमी उस जोन में नहीं आ रही है, वो एनर्जी कम लग रही है, आपको खुद पता चल जाता है, मतलब तो एक एक रिएक्शन में भी टेक लग जाती है। हाँ, मैंने एक फिल्म की थी पाजी, उसमें तो मैंने सिर्फ फोन मारना था मत्थे पे अपने गुस्से में, उसके 22 टेक दिए थे मैंने, सोच रियली यहाँ फोन मतलब सेम फोन से दिए थे, फोन से ही था कि फोन टूट गया, लैंडलाइन मारते ना अच्छा हो गया, से कोई कुछ लगी तो होगी, गुस्से में मारते हो। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कभी कि मतलब कोई भी इरिटेट हो गया एकदम कि यार मतलब किसी भी बात से कि यार ये चीज ये वाला सीन हो नहीं पा रहा किसी भी वजह से, लाइट है कुछ है, पर 50 तरह की चीजें होती हैं। मेरा एक मेरा आई थिंक मैं और पत्रा एक सीन कर रहे थे जिसमें एक्शन था और गाड़ी स्पीड में जा रही है, इसे यहाँ से निकलना है, मुझे इस तरफ से निकल के शूट करना है, वो कोऑर्डिनेशन इतना बैठ नहीं रहा था, मतलब वहां से भी जो गाड़ी आ रही थी कई बार तेज होके ब्रेक मार रही है और हमें जब शूट करना है
तो वो एक सिंक कोऑर्डिनेशन और वेदर कंडीशंस तो बोल दो ना। अरे बट जब हम तुम भी बोल लो जब हम शूट कर रहे थे तो इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। तुम्हारे इंटरव्यू वाले वही दे देगा पता मेरे को मन में बोल रही है बोल लो ये नहीं है अपने आप से बोल ले पत्र इज सेविंग एनर्जी फॉर दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्राइव यार भाई बहुत बहुत पहला पहला दूसरा दिन जब हमने आई थिंक जब नाइट शूट थी तब पता लगा कितनी ठंड है भाई फट के हाथ में आ गई और अंदर जब शॉट नहीं हो रहा था तो हम गाड़ी में बैठे रहते थे कि शॉट देने जाना है रेडी हो जाना है या अंगीठी हमने बाहर रखी हुई है उसके साथ सारे बैठे हुए हालत खराब हो जाती थी और मैंने तो कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे बिकॉज़ मेरे खाली एक डेनिम जैकेट पहनी थी सो नो वार्मर्स नथिंग नो लेस मेरी ऐसे ही वो कैरेक्टर का थाई स्टाइलिंग ऐसा लेकिन वो स्टाइलिंग में किसने बोला था कि मेरे को कम कपड़े देना ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला लेकिन वो आया ही ऐसा लुक बट क्या किया है तुमने क्या ही किया है मैंने थ्रू आउट द फिल्म एक ग्लास की गर्म पानी की बॉटल अपने पास रखी है एंड आई हैव लाइक बस पास रखी पी नहीं है हां मतलब एक्चुअली एक तो पीने वाली थी और अच्छा इशिता आई एम ओवर यू फर्स्ट टाइम लाइफ में कब बोला था और क्या वो स्टोरी थी 12th के पहले मेरा वहां कोई सीरियस कुछ कंटेम्प्लेशन रहा था तो आई थिंक सो आई मेट दिस गाय इन माय क्लास और माय क्लास में ही वाज इन साइंस आई वाज इन कॉमर्स एंड तो उसका 12th पास हुई एंड ही वेंट टू देहरादून फॉर टू डू हिज इंजीनियरिंग और वहीं से ना आई फेल्ट अ शिफ्ट मतलब विद इन अ मंथ और सो and I could feel it and I asked and then nahi busy and I okay fine busy lekin wo itna lag aur linger kar raha na ki I felt in my head maine kaha yaar it's not worth it only but I can't chase too much to agar matlab if a person is not responding and if a person is not reciprocative when you are putting your all in then I feel it's a waste of time it's a waste of energy and you should not तो मतलब you chase to a point to save it लेकिन अगर सामने लेकिन अगर सामने वाले को save होना ही नहीं है और वो करना ही नहीं है and if he's not valuing it तो बस in my head I get over it yeah good मंजोत आपकी first I'm over you story प्यार करना भी इंसान के हाथ में नहीं होता और जो प्यार जब वो प्यार खत्म हो जाता है वो भी इंसान के हाथ में नहीं होता वो फीलिंग है ठीक है तो आपको प्यार होता है और आप मूव ऑन भी कर जाते हो नहीं अब नहीं रहा फीलिंग खत्म हो जाती है तो मैं हमेशा एक क्लियर रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो प्लीज बता दो और वो ना कई लोग बताते नहीं है उस चक्कर में ना टॉक्सिक हो जाता है राइट चीजें जब आप क्लियरली बता देते हो ना यार अब वैसा नहीं है तो आप इजिली मूव ऑन कर जाते हो आई एम ओवर यू हो जाते हो अच्छा और कभी पब्लिक में किसी लड़की को रिलेशनशिप के लिए मनाने के लिए कुछ किया कुछ वियर्ड भाई मेरे साथ स्कूल में हुआ था एक बारी मैंने ना नई नई जन्नत देखी थी ठीक है तो उसमें वो गाड़ी से बाहर निकल के ऐसे नीचे बैठते इमरान हाशमी ठीक है तो स्कूल की ब्रेक हुई थी तो वो एक उस टाइम ट्रेंचर में थोड़े से लंबे बाल थे तो वॉश बेसिन ना गीले बाल करके पीछे से पानी चोरा होता है आप बहुत ही खराब लग रहे हो पूरा कॉलर गीला ही है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो मैं ब्रेक में ऐसे ही लड़की के सामने गया और मैं जन्नत के स्टाइल में नीचे जाके बैठ गया और वो तेरे ऊपर से गई या साइड से साइड से और वो जेन्युइनली मेरे साइड से चली गई थी एंड उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई ओके होनी भी नहीं चाहिए मैंने एक एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो गया था एक एक्टर कपल थे मारेगा तू नहीं जायद खान उनकी स्टोरी थी उन्होंने ऐसे प्रपोज किया था तो उस वक्त वो पेपरों में आ जाता है हम अपनी गर्लफ्रेंड मैंने भी ऐसी कर दी थी अभी आपके इंटरव्यू से भी कुछ कुछ चीजें लोग देख के करेंगे ना कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं हम भी किया था मैंने भी गाड़ी रोकी और बीच रास्ते में प्रपोज किया पीछे से हॉन्क बजे बाद में गाड़ी बैठ के निकल गए यार मेरे में कभी हिम्मत नहीं है प्रपोज करने की बाजी करने जरूर गया था लेकिन मुझसे हुआ नहीं था कैसे किसको कब स्कूल में मैं आई थिंक 14 Feb था उस दिन मैंने उसको देखा वो कुछ ले रही थी और उसको देखते ही मैं वापस भाग गया क्लास में बस हिम्मत ही नहीं अच्छा और भाई कभी किसी एक्स की शादी का इनविटेशन आया
हाँ एक्चुअली आया है भाजी, आया मैं एक्स की शादी में, आया भी और मैं गया भी हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं गया हूँ एंड मजा आता है यार, बट after we broke up and all that, we again we became friends and you know that tradition was always there, that friendship wala kind of a thing was always there. So main gaya tha uski shaadi mein aur mazay se chill kara, mazay kare, dance dance kara aur wapas aa gaya. Sunny bhai aap gaye ho? Nahi bhaji, main first time nahi gaya, na to mere invitation aaya hai. Acha aayega to jaoge? Nahi nahi, agar wohi wali baat jise Varun ne bola, agar koi aapke ex aise hai ki if you end on a good note or something like that, aap dost ban jate ho to baat alag hai, but jo bhi ex rahe zyada wo dosti bhi not on a good term, good terms in the sense aap baat hi nahi karte na fir to na wo cheez sahi bhi nahi hai. Main ex ki shaadi mein nahi gaya kyunki main shayad dekh na paun aur yahan dekh nahi pata, par main ek ladki ki shaadi pe gaya tha jo mujhe bahut pasand thi, hamari baatein bhi start ho gayi thi पर उसको मैं देख पा रहा था और मैं हाँ मतलब आपकी बातें शुरू हुई, हाँ बातें शुरू हुई और मैं ना एक हफ्ते के लिए पुणे गया था शूट करने आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं था, तो जब मैं वापस हफ्ते बाद पुणे सिटी में आया तो मैं होटल में चेक इन किया और जैसे ही नेटवर्क आया मेरा तो वैसे ही मैसेज आया कि हे आई गॉट एंगेज. और पाजी आप मानोगे नहीं, जैसी वो की होल्डर में चाबी डालते हैं ना टीवी ऑन हो जाता है, और जैसी मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ टीवी ऑन हो रहा है और टीवी में क्या चल रहा है, छन से जो टूटे को ही सपना है. आपके एक्सपीरियंस पे एक फिल्म बन जानी चाहिए. यस मैं लिखूंगा, बड़ी रिलेटेबल होगी. मुझे लगता नहीं है, मतलब इफ रैंडमली आए एंड इफ यू नॉट टॉकिंग आई डाउट आई विल गो, बट इफ यू आर फ्रेंड्स देन आई माइट एज़ वेल. सोचा नहीं आज. बड़े हिम्मत वाले होते हैं जो चले भी जाते हैं और बुला भी लेते हैं मुझे लगता है. अब बट आई थिंक कुछ वक्त बाद नॉर्मल हो जाता है, अगर मतलब वो डिपेंड है कि आप पर भी नहीं पड़ा क्योंकि मूव ऑन तो काफी पहले हो गई थी, तो मुझे एक्चुअली काफी सही लगा कि ही थॉट ऑफ मी, ही थॉट ऑफ कॉलिंग मी टू हिज स्पेशल डे. या मैं तो जाके मैंने खूब फन करा. पंजाब की कौन कौन सी चीजें इस फिल्म में वरुण हमें पता लगने वाली हैं, जैसे पत्र लिखा पंजाब से नहीं है ठीक है उन्होंने बताया, बट उन्हें पंजाब के बारे में इस फिल्म को शूट करते हुए बहुत कुछ पता लगा जो आपने, तो जैसे जिन लोगों को नहीं पता ठीक है, क्योंकि इस फिल्म को तो जाहिर है नेटफ्लिक्स पे तो 190 देशों के लोग देखते हैं, उसकी रीच बहुत जबरदस्त है, तो उनको पंजाब के बारे में क्या क्या पता लगने वाला है? आई थिंक पंजाब के बारे में एक तो जो जितना सुंदर पूरा पंजाब है, सो लोकेशंस वाइज हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ प्रिटी द एंटायर स्टेट इज, वो जरूर पता लगने वाला है. एंड उसमें जितना खान पीन के बाद जितने खुश लोग हैं वहां पे, तो वो सारे मिलने वाले हैं मेरे अलावा. एंड आई थिंक द सोल ऑफ द फिल्म इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द म्यूजिक, and our music is very Punjabi, like you know, cultural rich, right? As a language. So I think khoob sara sundar acha music, beshak wo background mein ho, beshak wo mainstream uske songs ho, jis tarah se bhi ho. So I think music is also going to play a very important role in Wild Wild Punjab, and people are going to love it. Sunny, कहीं ना कहीं वो ये भी है कि एक पंजाब में ना लड़कों के Gen Z style भी है, haircut के, कपड़ों के, वो एक बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं उस चीज से, वो एक टॉवर कह सकते हो, वो सारी चीजें होंगी. दूसरा आप कह सकते हो कि जैसे जगहें भी हैं, जब हमने आपने देखा पिक्चर में गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी को लेके जो यू नो स्टाइल है, मॉडिफिकेशन है, हर वो चीज से वो रिलेट कर सकते हैं, वो भी है. प्लस और भी कुछ था, भूल गया अभी, आप पूछ ले किसी और को भी मैं बोलूंगा. आप खैर तो काफी कुछ बता चुकी हैं इस बारे में, क्योंकि जब भी किसी स्टेट का नाम किसी फिल्म में आता है तो कहीं ना कहीं पीपल लुक फॉरवर्ड. एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, वो थी कि एक ना
पंजाबी बॉयज जो ये वैसी फिल्म है जो शायद उनको बड़ा मजा आएगा कि देखने में कि एक यूथ पंजाबी यूथ और उनकी दोस्ती उनकी बातें एक जो आप कह सकते हो जब वो साथ मिलके पार्टी करते हैं सब चीजें वो एक चीज देखने मिलेगी। मंजोत तो आपको तो खैर पंजाब के बारे में बिल्कुल पहले बताइए। यस मुझे लगता है पंजाब से अगर पंजाब में कोई रह के आता है ना पंजाब का वार्म्थ वो अलग है और वो अनरियल है। मतलब जस्ट आर पीपल अराउंड दे आर वेरी रिसेप्टिव। एक अलग सा अपनापन है उस जगह में और जिस तरह से पंजाबीज आर नोन फॉर इट लेकिन जैसे वो यू स्टिल हैव टू रीइंस्टिल एंड टू सी इट यू रियली नीड टू बी विद पंजाबीज टू अंडरस्टैंड कि पंजाबी जिस तरह से दिलदार होते हैं जिस तरह से मस्ती करते हैं जिस तरह से उनका एटीट्यूड है वो उनके जीन्स वो इनबिल्ट है राइट तो वो पंजाबियों के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। जब हम शूट कर रहे थे और जब भी हम शूट पे जाते थे आप हो जब हम होटल से निकलने तक और वापस होटल आने तक जो लोग हमें देख के वो स्माइल करते थे यू नो वो रिस्पेक्ट से बात करते थे वो इतना अपनापन लगता था ना उसमें कि यार मतलब कितने यू नो दिल से वो आपके लिए कर रहे हैं चीज़ें। इवन जब आप शूट पे जा रहे हो वहाँ के जो लाइन प्रोड्यूसर्स हैं और जितने लोग हैं पंजाब का क्रू है वो इतने यू नो इतने प्यार से बात करना और यू नो अपनेपन से तो वो चीज़ वो एज इशिता सेड वो वार्म्थ थी तो वो चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है पंजाब पंजाब में और पंजाबियों में और जो भी लोग करते हैं एंड और ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा ये जो फिल्म है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप ऑल्सो कि यू नो दोस्त कितने मैटर करते हैं आपकी लाइफ में और अगर आप अपने लोज में हो और अपने हाइज में हो नो मैटर व्हाट आप अगर दोस्त आपके अच्छे हैं लॉयल हैं आपके साथ और आपके साथ खड़े हैं तो आई थिंक ये चीज़ लोग देखेंगे कि यार कि दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अच्छा एक चीज वरुण एंड मंजू आई विल आस्क यू सुनीता जी आपसे भी एक बार कहीं मैंने सुना था बहुत पहले कि पंजाबी जो होते हैं इतने मस्त होते हैं ये दो पैग लगा ले तो जनरेटर की आवाज भी डांस कर लेते हैं। हां पूरे सर पूरे इन्होंने म्यूजिक की जरूरत नहीं है करेक्ट वो ऐसे भी डांस कर लेते हैं कि इतने मस्त होते हैं। एंड मुझे सबसे बड़ी बात तो इस फिल्म से लगा कि एज फार एज मैंने पत्रलेखा को जितना देखा है इनके इंटरव्यूज देखे हैं इनको फॉलो किया है आप लोगों ने इनको भी चेंज कर दिया। सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ दिस फिल्म किया ये खुद चेंज हुई ना मतलब इस फिल्म के दौरान ही हुई ना संगति का असर और फिल्म का असर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थैंक यू सो मच थैंक यू जी फैन द फिल्म इज कमिंग ऑन 10th जुलाई ऑन नेटफ्लिक्स वाइल्ड वाइल्ड पंजाब तो सिर्फ पंजाब में ही नहीं 180 190 सो आई मीन दे गेट टू नो कि भाई ब्रेकअप से पंजाबी लौंडे उभरते हैं। आई एम ओवर यू वाला जो है ओवर यू और जाम से भी हम कह चुके हैं आई एम ओवर यू वॉच वाइल्ड वाइल्ड पंजाब और आप लोग आगे की अपनी जर्नी पे जाएंगे। ट्रेलर अच्छा है शुड बी प्रमोटेड वेल लोगों को पता चलना चाहिए बहुत अच्छा रहा बहुत मजा आया थैंक्स अ लॉट।